तो आज हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत में जो गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था, भारत में गवर्नर जनरल के जो पोस्ट ये क्रिएट की गई थी इसमें कौन कौन बैठे और किसने क्या किया, तो उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल हेम तक पर। मैं हूँ राम भारद्वाज और आज हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश गवर्नर जनरल के ऊपर। तो जो पहले गवर्नर जनरल थे तो उस पर हम आज आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी देंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज का प्रधान पद था जिस पर सिर्फ अंग्रेजों का अधिकार था और स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस पद पर कोई ना भारतीय बैठा ना कभी उसको बैठने का मौका दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेजिडेंसी ऑफ पोर्ट विलियम के शीर्षक के साथ इस कार्यकाल को 1773 में सृजित किया गया था। 1858 तक गवर्नर जनरल की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशों के द्वारा की जाती थी। 1857 के विद्रोह के बाद इनकी जो नियुक्ति थी वो ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाने लगी, ये आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो जिसे चाहती थी वो उसको डायरेक्टर बना देती थी, ठीक है, जो डायरेक्टर जनरल बना देती थी, ठीक है। परंतु उसके बाद जब 1857 की जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था एक वीडियो में उसके बारे में, तो उसमें उसके बाद उस विद्रोह के बाद क्या हुआ कि भारत का जो राजपाट था पूरी उसकी पकड़ ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गई, ठीक है। और जब तक फिर 1947 में भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी तब भारत वायसराय की पदवी का हटा दिया गया, ठीक है, और लेकिन दोनों नई रियासतों में गवर्नर जनरल के कार्यकाल को तब तक जारी रखा गया जब तक उन्होंने क्रमशः 1950 और 1956 में गणतंत्र संविधान को अपनाया। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, ये गवर्नर जनरल थे बंगाल के, पहले गवर्नर बनाया गया, ठीक है, गवर्नर की पोस्ट को गवर्नर बनाया जाता था, जो बंगाल का बन गया वो भारत का पूरे, ठीक है, परंतु जो बंगाल का जनरल बनाया गया गवर्नर जनरल, ठीक है, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, इनको गवर्नर जनरल बनाया गया था। और जो इनका कार्यकाल था वो था 20 अक्टूबर 1973 से 1 फरवरी 1785, ठीक है, ये 1785 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। और इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटने घटी, वो पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले, ठीक है। तो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इनको पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, इससे पहले था गवर्नर का पद था, ठीक है, बंगाल में, परंतु इसके बाद ये इनको जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे इनको गवर्नर जनरल बनाया गया था। और इनके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं घटी थी, ठीक है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनके कार्यकाल में क्या हुआ कि एक बंगाली ब्राह्मण थे नंद कुमार, ठीक है, ये नंद कुमार जो है एक बंगाली ब्राह्मण थे, ठीक है, और इन पर एक झूठा आरोप लगाया और उसे न्यायालय में फांसी की सजा दी गई, ठीक है, ये सबसे बड़ी घटना थी। अगली घटना क्या थी, पहला अंगल मराठा युद्ध 1785 से 1782 तक लड़ा गया था, ठीक है, जो अंगल मराठा आपने नाम सुना होगा इस युद्ध का, बहुत से क्वेश्चन आपको आते होंगे एग्जाम में, तो ये अंगल मराठा युद्ध जो था ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम लड़ा गया था, ठीक है, और 1775 से 82 तक ये लड़ा गया और इसका जो हल निकला था, ठीक है, इसको हल किया वो सलवाई की एक संधि हुई थी, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सलवाई की संधि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई या किस युद्ध के समय हुई थी, ठीक है, तो ये अंगल मराठा युद्ध जो पहला युद्ध हुआ था इनका, इसके बाद ये सलवाई की संधि हुई, ठीक है, और गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, इनके कार्यकाल में ये हुई, ठीक है, 1775 से लेकर 1782 तक ये युद्ध चला था, ठीक है। अगला जो था सबसे महत्वपूर्ण इसमें कि दूसरा जो अंगल मराठा युद्ध वो ये 82 से 84 शुरू हो गया और इसका जो समाधान निकला वो मैंगलोर की संधि के द्वारा इसको इसका निष्कर्ष निकाला गया, ठीक है। अगला जो इसकी मुख्य घटना थी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, तो ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसकी स्थापना इनके कार्यकाल में की गई थी, ठीक है, इसके कार्यकाल में की गई थी। और एक बार आपने इस वीडियो को फिर से देख लेना है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ अगर मिस्टेक हो जाती है आपसे समझ में, तो वो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा दोबारा से सब कुछ, ठीक है, क्योंकि सब कुछ हिंदी में हमने बताया है।
तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो हुई थी वो इन्हीं के कार्यकाल में, वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगली जो महत्वपूर्ण घटना थी या काम था इनका, वो था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना करना, ठीक है। इन्होंने जो भी चंदा या जो कर कलेक्ट किया जाता था, ठीक है, इसलिए आपको पता होगा आज भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, इनकम टैक्स होता है या जो भी टैक्स होता है वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उस टाइम थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो जितना भी कर जमींदारों से या राजाओं से या जिनसे भी लिया जाता था, ठीक है, राजाओं से ये क्या करते थे कि ये सैन्य सहायता देते थे राजाओं को, उसके बदले राजा से ज़मीन ले लेनी। शुरू में इन्होंने ऐसे ही किया था, परंतु बाद में फिर पूरी रियासतों को ही हड़पने लग पड़े थे, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के इस पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। ये सबसे बड़ी घटना है, और ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसकी स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, ठीक है। अगली जो घटना थी वो क्या है वो देखिएगा आप। तो अगला था कोलकाता में पहले मदरसे की स्थापना की गई, ठीक है, और कब की गई थी, 1781 में ये की गई थी, ठीक है, 1781 में इसकी स्थापना की गई कोलकाता में, पहले मदरसा खोला गया था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछ सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब हुई, तो वो आपको पता होना चाहिए, तो उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई या कब हुई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला था 1782 में जोनाथन डंकन ने बनाया या बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की, ये जो स्थापना की गई थी, ठीक है, ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में की गई थी, ठीक है। तो कौन से गवर्नर के कार्यकाल में क्या किया या किस गवर्नर जनरल की क्या देन है भारत में या ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में, तो उसी के मकसद से हमने, ठीक है, क्योंकि पूछे जाते बहुत से क्वेश्चन कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब हुई थी या किसके कार्यकाल में हुई थी, और आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है या भारत का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उन्हीं के लिए मैं ये अलग से आपको ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो रोज़ हम आपको इसी टाइम अलग से इसकी जानकारी दिया करेंगे, तो हिम तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ लगता है, कमेंट में बताइए, उस पर हम आपको अलग से वीडियो बनाकर पूरी जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो ये 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, 1782 में बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना, जो इसके विद्यार्थी उनको पता होगा, परंतु ये नहीं होगा पता कि किसने की थी, ठीक है। अगला क्या हुआ था, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, पिट्स इंडिया एक्ट का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ये जारी किया गया था, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, इसको जारी किया गया, और इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, की स्थापना की गई थी, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसके 4 मेंबर थे, ठीक है, 4 सदस्य थे इसके, और इसका क्या काम था कि ये पूरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कार्य वगैरह होते थे, ठीक है, उन पर ये निगरानी रखती थी या इन्हीं से परामर्श करना पड़ता था, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ वो आप देख लीजिएगा, 17 फरवरी पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा दिया बाद में, उस पर ये 17 फरवरी इंग्लैंड में बर्क महाभियोग, ठीक है, हुआ क्या, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट का जो चलाया गया था, ठीक है, या लागू किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो पिट्स इंडिया में मैंने आपको बताया 4 सदस्य इसमें बनाए रखे गए थे, ठीक है, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था, इसका विरोध इन्होंने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, कि अपने इसके विरोध में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी बंगाल के, ठीक है, उस पोस्ट से इन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये वापस 1785 में इंग्लैंड पहुँचे, तो एक बर्क ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ठीक है, उन्होंने उस टाइम यहाँ पर ये जो महाभियोग है, ठीक है, इंग्लैंड की जो संसद थी उस पर ये महाभियोग लगा दिया, ठीक है। अब महाभियोग क्या होता है, किसी भी प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर अगर उसको हटाना है किसी पोस्ट पर या उसका कोई जुर्म साबित करना है, धोखाधड़ी की है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग लगेगा उस पर, उनके ऊपर भी, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना या किसी इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमीशन के जो
होते हैं, ठीक है, उनको अगर हटाना है तो इन बड़ी जो पोस्ट होते हैं इनको सिर्फ महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, ये महाभियोग होता है, ठीक है। बड़े बड़े पदों पर जो व्यक्ति बैठे होते हैं, और आपको पता होगा जो लोकतंत्र की शुरुआत जो हुई थी वो भी इंग्लैंड से ही हुई है, आपको ये पता होना चाहिए। तो इंग्लैंड से इसकी शुरुआत भी हुई थी, किस प्रकार से हुई थी उस पर हम अलग से आपको कभी जानकारी दे देंगे जब लोकतंत्र का टॉपिक हम शुरू करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने रिजाइन कर दिया, और इसके बाद फिर ये बर्क ने महाभियोग लगा दिया और 1795 में उन्हें मुक्त कर दिया गया, ठीक है। 2 साल का ये महाभियोग रहा, ठीक है, और फिर इसके बाद इनको मुक्त कर दिया गया इसके बाद इसको, ठीक है। और क्या हुआ कि उसके बाद जब गवर्नर जनरल ने अपनी पोस्ट का रिजाइन कर दिया तो सर जॉन मैकफर्सन, ठीक है, जो ये मैकफर्सन थे, ठीक है, सर जॉन मैकफर्सन, इनको एक, ठीक है, अस्थाई गवर्नर जनरल बंगाल का नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया, 1 फरवरी 1785 से 1786 तक, ये 1 साल का इनका कार्यकाल रहा, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। और इनकी जो नियुक्ति थी वो अस्थाई थी, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। और जो अगला हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो अगला इसके बाद कौन से गवर्नर जनरल बने और सबसे महत्वपूर्ण जो आपके एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन आते हैं वो अगला हम टॉपिक लेकर आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी जानकारी तो, और कुछ भी आपको जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कुछ उसमें बताया नहीं हमने, तो पूरी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा मेरे साथ हेम तक इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट।